क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त से बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना, तो स्पर्श रेखा कहाँ खींचोगे? वृत्त पर ही, ठीक है। इसमें एक चीज लिखा जा सकता है, एक वृत्त से बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना, ठीक है। अब एक चीज नोट करिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे हाई स्कूल का, तो उसमें देखना होगा कि रेखाएं दिया है कि रेखा दिया है। अगर कह दिया रेखाएं खींचिए, तो निश्चित है एक से अधिक रेखा खींचना पड़ेगा, और किसी बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और वृत्त के परिधि से मात्र एक रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाहर से दो रेखा खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा खींच ही नहीं सकते हैं। बोलिए, सही बात है ना। और फ्री कोई बिंदु हो, एकदम फ्री हो, स्वतंत्र बिंदु हो, तो वहाँ से उसको, उससे होकर उसको स्पर्श करके जाने वाली रेखाएं असंख्य होंगी, है ना। लेकिन वही बिंदु अगर वृत्त की परिधि पर हो, तो वहाँ से सिर्फ एक स्पर्श रेखा होके जाएगी, और बाहर अगर है तो मात्र दो स्पर्श रेखा जा सकती है। तो आप देखना है कि एग्जाम में किस तरह का देता है, रेखा लिखा है कि रेखाएं लिखा है, समझ गए। अगर रेखा लिखा है तो एक ही रेखा हम स्पर्श खींच देंगे, रेखाएं लिखा है तो हम दो रेखा खींचेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको पहले दिया है लिखते हैं, दिया है ये नियम है, तरीका है, ये सलूशन डालने के बाद आप लिखेंगे दिया है। दिया है कहाँ से मिलेगा? प्रश्न से। प्रश्न में दिया है एक वृत्त से, तो इसका मतलब एक वृत्त दिया है, समझ में आ गया। एक वृत्त दिया है कामा बाहर किसी बिंदु से, तो बाह्य एक बिंदु दिया है, ये भी तो दिया है, एक बाह्य बिंदु, एक बाह्य बिंदु। तो चलिए, एक वृत्त और एक बाह्य बिंदु, तो इसमें दो ही चीज दिया है, तो आप यहाँ पर तथा लगा लीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा हम लिखते हैं, रचना करनी है। रचना करनी है, तो रचना करनी है, ये देखिए इसमें लिखा है स्पर्श रेखाओं की, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक बाह्य बिंदु से, ठीक है, एक बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, बात समझ में आया। रेखाओं, रेखाओं ऐसे लिख लीजिए, रेखाओं की ऐसे लिख लीजिए, हो गया स्पष्ट, है ना। उसके बाद आपको चित्र बनाना है, उसके बाद चित्र बनाना है, और उसके बाद रचना के चरण लिखना है, रचना के चरण। तो रचना के चरण कब लिखिएगा? जब चित्र बन जाएगा तब ना चरण लिखेंगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो चूंकि ये ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में जो दिया है उस डॉट लाइन नहीं है ना, डॉट लाइन नहीं, समझ, ब्रेक लाइन नहीं, जो सहायता लेते हैं, जो हम हेल्प लेते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वह सब डॉट लाइन बनाएंगे, और जो रिजल्ट हमारा आएगा लाना है उसको गाढ़ा करेंगे। तो हमारे पास HB होना चाहिए, 2 HB पेंसिल होना चाहिए, 4 HB होना चाहिए, समझे, और B भी होना चाहिए, केवल B। तो 3-4 तरह का पेंसिल रखिए, जिससे आपका चित्र एकदम स्पष्ट बनेगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, वृत्त देखिए, एक वृत्त है वो दिया है ना, तो इसलिए प्रकार में वृत्त का त्रिज्या नहीं दिया है, कितने सेमी त्रिज्या का है, तो किसी भी त्रिज्या का, चूंकि हम रूल सीख रहे हैं, तो किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे, त्रिज्या जो भी हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया प्रकार से,
एक वृत्त बना लिया। जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में तो दिया रहेगा कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 4 सेमी 3 सेमी है, ऐसे कहेगा, समझ में आया। और ये भी कह सकता है कि उसके 5 सेमी, उसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर एक बाह्य बिंदु है, इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा। तो जो भी कहेगा रूल तो यही लगेगा। क्लियर हो गया ना? तो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ, कह सकते हैं निर्मेय पढ़ा रहा हूँ, समझे आप। तो देखिए ये आपका क्या है, दिया हुआ वृत्त है, तो इसको आप कैसा खींचेंगे, डॉट नहीं खींचेंगे, इसको एकदम पूरी तरह से सीधी लाइन, मतलब लाइन तो सीधी नहीं है, कर्व लाइन है, लेकिन ये ब्रेक लाइन नहीं होगी, कंप्लीट लाइन होगी। बस समझ में आया, पूरा मिलाएंगे, ओके। इसके बाद एक बाह्य बिंदु लेंगे, क्या बाह्य बिंदु कहीं वृत्त से बाहर ले लेते हैं, और यहीं से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। ये भी दिया था और वो भी दिया था, दोनों बन गया। अब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे कैसे, जो हम हेल्प लेने जा रहे हैं वो सारा डॉट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज जो इसका केंद्र होगा है ना, उससे उसको मिलाएंगे, तो इसको डॉट लाइन मिलाएंगे, और डॉट लाइन एकदम स्मूथ, बढ़िया, एकदम ढंग से बनाना है आपको, एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो डॉट लाइन, डॉट का जो सिस्टम है जो 9th में पढ़ाया गया, उसी हिसाब से आप बनाएंगे, समझे। अब देखिए इसका नाम कुछ दे देंगे, मान लीजिए वो है, और बाह्य बिंदु कोई पी है, अक्सर बाह्य बिंदु को पी से लोग नोट करते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इस रेखाखंड को जो ओ और पी है, ओ पी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, तो प्रकार में एक दूरी भरेंगे, कितना दूरी, इस रेखाखंड के आधे से अधिक दूरी भरेंगे, आधे से अधिक दूरी भरकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, और वो भी डॉट, क्यों, क्योंकि मैं हेल्प ले रहा हूं अभी, समझ में आया। तो यहां से एक डॉट ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे, मतलब डॉट नहीं चाप, एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे, यहीं से आधे से अधिक दूरी भर करके, ठीक है। आधे से दूरी मतलब यहाँ आधा हो गया, इससे कुछ ज़्यादा ले लीजिए, और आधे से अधिक दूरी इसलिए भरते हैं क्योंकि एक दूसरे को काटेगा, इसलिए आधे से दूरी भरते हैं। आधे से दूरी यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक आधे से दूरी है। अब एकदम आधा देखेंगे कि आधा एकदम सब कहें सर तो थोड़ा सा ना दूर करना है, तो ये सब नहीं, फटाफट प्रकार को यहाँ तक बढ़ा लो, यहाँ तक बढ़ा लो, हो गया, जब क्लियर एकदम हो जाए, आधे से अधिक है, बोलो। तो यहाँ एक चाप ऊपर लगा लेंगे और यहीं से एक चाप, और डॉट लगाएंगे, ध्यान रहे, ज्योमेट्री है ये ना, है ना। उसके बाद है, उसी चाप को छोटा बड़ा नहीं करेंगे, पी पर रखेंगे और पी से भी एक चाप लगाएंगे, ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये काटेंगे, अगर नहीं काटता है तो निश्चित है कि आप चाप थोड़ा छोटा बढ़ाए होंगे, इसको आगे बढ़ा लीजिए, और भाई यहाँ से रख कर आगे आगे और बढ़ा लीजिए, आगे आगे, बोलिए। तो कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ाएंगे दोनों को तो काटेंगे। उसके बाद ये आपका नाम कुछ देना होगा, और ख़ास तौर से अगर जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये सारा नाम हिंदी में देना चाहिए, ठीक है ना, क ख ब स इस तरह से, ये जो है हिंदी में देना चाहिए। और जब आपके एग्जाम में आएगा भी क्वेश्चन तो क ख करके ही क्वेश्चन देगा। तो अभी हम इसको चेंज कर दें, क्या चेंज कर दे रहा हूँ, तो इसका नाम अ दे दे रहा हूँ, ठीक है, और इसका नाम ब दे दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इसका नाम स दे दे रहा हूँ, और इसका नाम द दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब स को द से मिलाएंगे, ए भी डॉट, क्योंकि ये स्पर्श रेखा थोड़ी ना है, बोलिए, अभी तो हम रिजल्ट पर नहीं पहुँचे हैं। जब स को द से मिलाएंगे तो एक कहीं ना कहीं अ ब के किसी न किसी बिंदु पर काटेगा, तो अ ब के मान लीजिए स द हो गया अ, अब इसका नाम त दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, कोई ककारा थोड़ी ना याद करना इस तरह से कि अ के बाद ब फिर स द त, ऐसे नहीं। आप देखिए जब यह बिंदु मिलता है तो यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर होती है ना, तो चाहे आप अब प्रकार उठाइए, चाहे आप इतना दूरी भरिए, चाहे इतना दूरी भरिए, ठीक है,
और एक वृत्त और घुमा दीजिए। आप वृत्त घुमा भी सकते हैं नहीं भी, दो फायदे हैं, मतलब दो काम है। एक तो आप इतना भर के इस पे कहीं काटिए, इसी पे काट दीजिए चाप, कट जाएगा, हो गया काम। लेकिन एक वृत्त घुमाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, फिगर की जो है सुंदरता बढ़ जाती है। और हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ हम रिजल्ट तक ना पहुँचें, है ना, हमारा काम ये भी है कि हम उसको सुंदर बनाएं, सुंदर दिखे। क्यों? क्योंकि इसका नाम ज्यामिति कला है, कला शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, समझे? तो इसलिए कला है ना ये, तो इस तरह से इसकी सुंदरता का भी ख्याल रखना है। तो आप आधे से अधिक दूरी भर कर एक वृत्त यहाँ से घुमा देंगे, ऐसे डॉट करके, काफ़ी सफाई से। डॉट तो बेहतरीन होना चाहिए, डॉट का मतलब इस तरह से एकदम बढ़िया आराम से। बोलिए, अभी तक हम रिजल्ट पर नहीं पहुँचे हैं, अभी तो सारा हम हेल्प लिए हैं, तो जितना मैं हेल्प लिया हूँ सब डॉट लाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसे आप इसको आगे बढ़ाए होंगे तो ये कहीं ना कहीं काटा होगा। अगर ये क्रॉस कर गया, मान ली यहाँ डॉट दिए, यहाँ डॉट दिए हैं, और ये क्रॉस कर गया, पता नहीं चल रहा है कि किधर है, तो उस पर फिर से आपको यहाँ काटना ज़रूरी है। उस लाइन पे वो डॉट करते जा रहे हो जो आप, तो एक पॉइंट ज़रूर पहुँचना चाहिए वहाँ से, समझ में आ रहा है? उसको कुदाना नहीं है कि यहाँ काट दिए, कुदा दिए रिंग को, रिंग कुदाना नहीं है, ये समझ में आ रहा है बात? और ये पॉइंट आपको मिल चुका है यहाँ पे, और ये बिंदु मिल चुका है ना, तो इसका नाम देना है, इसका नाम थौ दे दीजिए, है ना, और इसका नाम धौ दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। यही वह बिंदु है धौ और थौ, धौ और थौ, जहाँ से ये रेखाएं खींची जाएंगी। आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ पहुँचना था वहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो अब इस रेखा को आप HB पेंसिल से नहीं मिलाएंगे, ये तो बात है, जितना डॉट है यह सब HB से रहेगा, HB पेंसिल से, समझे। और जो ये दिया है यह सब B से रहेगा, और जो मिलाना है ये सब 2B से मिलाना है, कुछ समझ में आया? तो इसको हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, पटरी लगाकर, पटरी से स्पर्श करता हुआ, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे पटरी लगाकर। जिसके पास 2B पेंसिल नहीं है तो B है या HB ही है, उसी से धीरे धीरे, बहुत दबा देंगे तो पेज खराब हो जाएगा, धीरे धीरे इसी के ऊपर एकदम सटीक तरीके से एक ही बार पटरी रख के, पटरी हटाना नहीं है क्योंकि दोबारा सेट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो उसी पटरी रखे हुए पे ही एक बार, दो बार, तीन बार उस पे लाइन खींच सकते हो। तो ये लाइन सभी लाइन से मोटी गाढ़ी दिखनी चाहिए, तो यही हमारा रिजल्ट है। जो आप पाते हो उसको बोल्ड कर देते हो, है कि नहीं? आज जो दिया, जो हेल्प लेते हो उसको डॉट कर देते हो, आज जो दिया रहता है उसको मेडल करते हो, बीच का है ना, ना डॉट है ना हाईलाइट है। तो ये रेखा हमारी हाईलाइट हो गई, और इसी रेखा का नाम है स्पर्श रेखा। और यही कह रहा था स्पर्श रेखाएं खींचना, तो मैंने स्पर्श रेखाएं खींच दिया। आप कहेंगे कि एक रेखा सर खींचना होता तब क्या करते, तो एक रेखा के लिए बस एक साइड मिलाते, बोलो, दूसरा साइड छोड़ देते, एक ही साइड मिला के छोड़ देते, एक ही रेखा हो जाती तब, समझे कि नहीं? तो देखो, आना तो सबको आ रहा है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी को लगाने नहीं आ रहा था, लेकिन सही से लगाना है। मैं उसमें चेक करूंगा डॉट, स्पर्श वगैरह जो रूल मैं पढ़ाया हूँ सारा मैं चेक करूंगा, ये नहीं कि ले आए लगा दिखा दी। तो बहुत पहले से हम जब साथ में थे तभी बनाया करते थे, है ना, तो ठीक है साथ में थे तो बनाया करते थे, अब दोस्त में आया तो ही बनाया ही करना, लेकिन कैसे बनाना ये ध्यान रखना है इसमें, समझे कि नहीं? बोलो, ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे पक्का? हाँ, एक चीज और, रचना के चरण आप लिखिए या न लिखिए, अगर आप डॉट लाइन बना देते हैं तो ये सब रचना के चरण बन जाते हैं, और ज्यामिति कला में रचना के चरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन नोट देखिए, अगर आप रचना भी लिखते हैं तो आपका प्लस पॉइंट होगा। अगर 100 में 100 नंबर लाना है तो आप रचना भी लिखिए। समझ में आ रहा है? रचना भी लिखना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो इतना एक्सपर्ट होना है कि हमको जो 3 घंटा सवा 3 घंटा पेपर मिलता है उसमें से 5 क्वेश्चन कुल करने होते हैं। 3 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, मतलब दोनों ज्योमेट्री का ही है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा है जो आलेखन से संबंधित है तो पेंसिल और कटर और प्रकार का ही काम है उसमें, है कि नहीं? लेकिन उसको थोड़ा डिजाइन करना है, रंगना है, पेंसिल सेट करना है ना, बर्तन है, फल है, वगैरह वगैरह। बोलो, ये समझ में आ रहा है? इतना कर लो, ठीक है।